दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो क्या आपको पता है आपके आईफोन में बैक टैप नाम का एक फीचर है जिससे आप कैमरा एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो, होम पे आप आ सकते हो, लॉक स्क्रीन पे आप जो है डायरेक्टली जा सकते हो, कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स है जो आप बैक टैप फीचर की मदद से कर पाओगे। अब ये फीचर ऑन कैसे करना है और कैसे यूज करना है हर एक चीज बताऊंगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैक टैप फीचर ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके आईफोन के अंदर सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लेना है। इसमें नेक्स्ट पेज पे आपको टच वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो फिजिकल एंड मोटर के नीचे मिल जाएगा। टच ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे सबसे नीचे आना है और बॉटम में बैक टैप फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो ऑफ है, ऑन करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है डबल टैप और दूसरा है ट्रिपल टैप। अब बैक टैप फीचर काम कैसे करता है, डबल टैप, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप वाले ऑप्शन पे कोई भी एक टास्क असाइन करता हूँ और अपने आईफोन के बैक साइड पे मैं डबल टैप करूंगा इस तरीके से, तो जो टास्क मैंने असाइन किया है वो वहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्क्रीनशॉट सेट करता हूँ डबल टैप पे और मैं आईफोन के बैक में डबल टैप करूंगा तो स्क्रीन का जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेगा। सेम चीज़ ट्रिपल टैप के साथ भी है, ट्रिपल टैप के ऊपर अगर मैं कोई टास्क असाइन करता हूँ और टास्क असाइन करने के बाद अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ आईफोन के बैक साइड पे तो वो टास्क हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो ऑप्शन डबल टैप पे, पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लिया है, अब बैक चले आऊँगा तो डबल टैप पे आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखेगा। ट्रिपल टैप पे हम अभी फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मैं ट्रिपल टैप करूंगा कंट्रोल सेंटर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो टास्क असाइन कर दिया है, होम पे आते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे। स्क्रीनशॉट हमने डबल टैप पे रखा था, तो जैसे ही बैक साइड पे आप डबल टैप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट सेव करना होगा तो सेव कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। अब स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया दोस्तों, अब ट्रिपल टैप का फीचर यूज करेंगे। ट्रिपल टैप पे हमने यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का एक्सेस रखा है, तो जैसे ही मैं बैक साइड पे ट्रिपल टैप करूंगा ये कंट्रोल सेंटर ओपन कर देगा और आपको ये टास्क चेंज करना है तो सिमिलरली वापस बैक टैप फीचर में आइए। डबल टैप पे अब इस बार मुझे अगर ऐप स्विचर करना है, ऐप के बीच में स्विच करना है तो ऐप स्विचर सिलेक्ट कीजिए, और ट्रिपल टैप पे अगर मुझे कैमरा ऑन करना है तो कैमरा सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो, रोटेशन को भी लॉक कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेंटर को भी एक्सेस कर सकते हो और भी सीरी स्पॉटलाइट टॉर्च के ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको कुछ दिखा रहा हूँ। अभी डबल टैप पे ऐप स्विचर है, तो जैसे ही मैं डबल टैप करूंगा बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है मुझे जिस पे जाना है मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाऊंगा। डबल टैप फिर से करूंगा और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर पाऊंगा। ट्रिपल टैप पे मैंने कैमरा रखा है, तो बैक साइड पे अगर मैं तीन बार अभी टैप करूंगा तो आप देख सकते हो कैमरा जो है यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो बस दोस्तों, यही सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं बैक टैप फीचर ऑन करने के लिए। और यूजुअली जो आपके एप्पल लोगों के ऊपर का पार्ट होगा वो काफ़ी अच्छे से काम करता है बैक टैप फीचर के लिए, अगर नीचे आप टैप करने जाते हो तो वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो जहाँ पे आपका एप्पल लोगो है वहाँ से ऊपर जो है आप प्रॉपरली टैप कर सकते हो, तो ये फीचर काफ़ी अच्छे से काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जाने से पहले कुछ आपके सवाल है तो वो मेंशन कर सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।